नमस्कार, मेरा नाम निखिल है। आप टुडे बिहार न्यूज देख रहे हैं। बिहार में विधानसभा के चुनाव के तारीखों का ऐलान हो चुका है। सभी पार्टियां चुनावी मैदान में हैं। राजद ने भी चुनाव की पूरी तरह से तैयारी कर ली है। तेजस्वी अपने उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कभी भी कर सकते हैं। इस बीच हम बात करेंगे रामा सिंह की। रामा सिंह वैशाली के पूर्व सांसद हैं। उनके राजद में शामिल होने की कयास लगाई जा रही है। क्या मामला है पूरा, आइए जानते हैं प्रकाश। देखिए निखिल, रामा सिंह आरजेडी में जाएंगे या नहीं, ये तय अब तेजस्वी यादव को करना है। कई महीनों से रामा सिंह आरजेडी में जाना चाह रहे हैं, लेकिन रमा के राह में रोरा बन गए थे रघुवंश प्रसाद सिंह। रघुवंश प्रसाद सिंह आरजेडी के बड़े नेता थे, कद बहुत बड़ा था, आरजेडी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और अब इस दुनिया में नहीं रहे। तेजस्वी यादव उन्हें अपना अभिभावक मानते थे। देखिए, आपको बताना चाहेंगे कि रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर चर्चा जैसे ही शुरू हुई कि आरजेडी में जाएंगे, तब रघुवंश प्रसाद सिंह रोरा बनकर सामने आ गए। रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं चाहते थे कि रामा सिंह वैशाली लोकसभा सीट से पूर्व सांसद रहे हैं, वे आरजेडी में आए। रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं चाहते थे कि आरजेडी में रामा सिंह की एंट्री हो और उन्होंने पूरी ताकत लगा दी। देखिए, रघुवंश प्रसाद सिंह का कद बहुत बड़ा था, लालू प्रसाद यादव के सबसे करीबी नेताओं में एक रघुवंश प्रसाद सिंह भी थे और रघुवंश प्रसाद सिंह ने यहाँ तक कि इस्तीफा भी दे दिया था। रघुवंश प्रसाद सिंह ने स्पष्ट कह दिया था लालू प्रसाद यादव को कि अगर रामा सिंह आएंगे महागठबंधन में और आरजेडी में, तब रघुवंश प्रसाद सिंह उस पार्टी में नहीं रहेंगे, यानी कि आरजेडी में नहीं रहेंगे। और उन्होंने अपना बकायदा इस्तीफा भिजवा दिया था आरजेडी चीफ को, लेकिन वो इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ था। रामा सिंह को लेकर आरजेडी में टेंशन बहुत बढ़ा। तेजस्वी यादव चाहते थे कि रामा सिंह पार्टी में आए, कद बड़ा है, वाजिब है कि वो उन्हें लाना चाहेंगे। तेजस्वी यादव लोक जनशक्ति पार्टी की ओर से चुनाव जीते हैं और रघुवंश प्रसाद सिंह जब नहीं चाहते थे, जब उन्होंने कह दिया कि रामा सिंह की एंट्री नहीं होगी तो नहीं होगी, तो लालू प्रसाद यादव ने भी उनकी बातों को नहीं काटा था। उन्होंने भी कह दिया था कि हाँ, रामा सिंह आरजेडी में नहीं आएंगे। लेकिन अब रघुवंश प्रसाद सिंह नहीं है। आज रामा सिंह पहुंचे तेजस्वी यादव से मिलने राबड़ी आवास पर। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, आप तस्वीरें भी देख रहे होंगे। रामा सिंह जैसे ही राबड़ी आवास से निकले, तब उन्होंने कहा, मौके पे जो मौजूद पत्रकारों ने सवाल किया, तो कि तेजस्वी यादव को तय करना है, तेजस्वी यादव को तय करना है कि वे आएंगे या नहीं, शर्त कुछ नहीं है जी। देखिए प्रकाश, हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे, आपके माध्यम से जानना चाहेंगे कि अब तो रघुवंश प्रसाद सिंह जो है इस दुनिया में नहीं रहे, तो उनके न रहने के कारण अब जो है एंट्री कहीं ना कहीं उनकी रामा सिंह की तय मानी जा रही है। देखिए निखिल, कितना संभावना, देखिए निखिल एक चीज बता रहे हैं, रामा सिंह का आरजेडी में शामिल होना आरजेडी के लिए एक बड़ी मजबूती है, उस क्षेत्र से जिस क्षेत्र से रघुवंश प्रसाद सिंह आते थे। रघुवंश प्रसाद सिंह महनार के थे, रामा सिंह भी उसी वैशाली लोकसभा सीट के हैं, वर्चस्व दोनों का बड़ा है। रघुवंश बाबू का भी वर्चस्व बहुत बड़ा रहा और रामा सिंह का भी वर्चस्व है। और रामा सिंह अगर आरजेडी में आते हैं तो तेजस्वी यादव का कुनबा और मजबूत होगा। लेकिन जो वादा किया है उन्होंने, जो वादा रघुवंश प्रसाद सिंह के साथ किया है, उन वादों को अगर आप याद करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि रामा सिंह की एंट्री इतनी आसान होगी। लेकिन जब बात सियासत की करेंगे, बिहार में चुनाव है, आरजेडी को मजबूती से चुनावी मैदान में उतरना पड़ेगा, तब तेजस्वी यादव को निर्णय करना पड़ेगा कि रामा सिंह आएंगे या नहीं। लेकिन एक चीज समझिए, रघुवंश बाबू के बातों को याद तेजस्वी यादव भी रखेंगे, रघुवंश बाबू के बातों को याद लालू यादव भी रखें, और देखना होगा कि रामा सिंह की एंट्री कब तक होती है। हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, दर्शक भी इसका इंतजार कर रहे हैं कि रामा सिंह क्या आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि आज महीनों बाद वे पहुंचे। इससे पहले आपको बता दें कि रामा सिंह ने पूरी तैयारियां कर ली थी, ऐलान कर दिया था कि 29 अगस्त को वे आरजेडी में आएंगे, लेकिन तब उनकी एंट्री रुक गई थी। टुडे बिहार न्यूज पर हमने दिखाया था सबसे पहले बिहार में
कि रामा सिंह ने तैयारियां कर ली है, लेकिन हुआ वही जो रघुवंश बाबू चाहते थे। रघुवंश बाबू ने कह दिया था कि रामा सिंह की एंट्री नहीं होनी चाहिए और बातें लालू प्रसाद यादव नहीं काट सकते थे। तो ये निर्णय लालू यादव को करना है कि रघुवंश बाबू के जाने के बाद रामा सिंह आरजेडी में आएंगे या नहीं, क्योंकि तेजस्वी यादव भी विचार कर रहे हैं, पिता से राय लेंगे, सब कुछ होगा, बहुत जल्द सीटों का ऐलान भी करना है, देखना होगा क्या होता है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी आप हमारे साथ थे प्रकाश, और हमने चर्चा किया कि रामा सिंह की एंट्री राजद में हो सकती है या नहीं, देखना बहुत दिलचस्प होगा। देश दुनिया की बड़ी खबरों के लिए बने रहिए टुडे बिहार न्यूज़ पर। बहुत बहुत धन्यवाद।